Hello everyone. So I welcome you all to ePlanet with Anwar Hussain. So the topic that we are going to discuss today is a very beautiful poem taken from the textbook of class 10th CBSE, written by one of the most famous poets of 20th century, Robert Frost. So the title of the poem is Fire and Ice. So ye jo पोएम हम पढ़ने जा रहे हैं उससे पहले हम पोएट के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट 1874 में पैदा हुए सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में और उनकी डेथ हुई 1963 में. ठीक, ये एक अमेरिकन पोएट है और इन्हें 20th सेंचुरी का सबसे बड़ा सबसे महान पोएट भी माना जाता है. इसके अलावा इनकी जो पोएट्रीज होती थी वो ज्यादातर आम लोगों की जो रोजमर्रा की जो जिंदगी किस तरह गुजरती है ऐसे टॉपिक्स पे ये लिखा करते थे. ठीक, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये जो पोएम है फायर एंड आइस जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पहली बार 1920 में पब्लिश हुई थी हार्पर्स मैगजीन में. उसके बाद 1923 में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी पोएट्री कलेक्शन पब्लिश की थी न्यू हैम्पशायर करके, तो उसमें ये पोएम पब्लिश हुई थी. ठीक, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को चार बार पुलित्जर अवार्ड से नवाजा गया. तो इस पोएम के अलावा रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुत सारी दूसरी भी बहुत ही फेमस और बहुत ही बेहतरीन पोएम्स हैं, जिनमें से कुछ हैं द रोड नॉट टेकन जो कि आपने क्लास 9 में पढ़ा है, और उसके अलावा है डस्ट ऑफ स्नो जो कि इसी क्लास 10th की बुक में है, फिर उसके बाद वेस्ट रनिंग ब्रूक, उसके बाद फ्रॉम स्नो टू स्नो. ठीक, बहुत ही दूसरे उन्होंने प्लेज भी लिखे हैं, स्टोरीज भी लिखे हैं जिनमें बहुत ही फेमस है अवे आउट करके, फिर उसके बाद अ मास्क ऑफ रीजन और अ मास्क ऑफ मर्सी. ठीक, अब बढ़ते हैं पोएम की तरफ. अब देखिए ये जो पोएम है ये एक्चुअली इसका जो बेस है वो किस चीज को लेकर लिखा गया है. ठीक, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहां पे जो फायर एंड आइस की बात कर रहा है, ये फायर होता क्या है, आग. ठीक, और आइस जिसे हम बर्फ भी कह सकते हैं या फिर यख भी कहते हैं. ठीक, तो फायर एंड आइस का एक ऐसे ऊपर से सरसरी मीनिंग तो है लेकिन उसके एक सिंबॉलिकल मीनिंग भी है. सिंबॉलिकल मतलब ये कुछ चीजों की तरफ इशारा करता है. ठीक, तो जो फायर है यहां पे जो फायर का जिक्र हो रहा है वो फायर आग का नहीं है बल्कि इंसान के अंदर जो डिजायर्स होती हैं, जो ख्वाहिशात होती हैं, जो चाहते होती हैं उसके लिए यहां पे इस्तेमाल किया गया है. और आइस किस लिए इस्तेमाल किया गया है, जो इंसान एक दूसरे से नफरत जो करता है, एक दूसरे के प्रति जो नफरत है, जो एक इनसेंसिटिवनेस है, मतलब एक दूसरे के बारे में बिल्कुल ही केयर नहीं करता है बल्कि एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, इस चीज इन दोनों चीज के लिए इस्तेमाल किया गया है. फायर डिजायर ख्वाहिशों के लिए और आइस नफरत के लिए, हैट्रेट के लिए. ठीक, तो यहां पे पोएम में अगर हम थोड़ा डिटेल में बताएं तो पोएम में डिस्कस किया जाता है कि मतलब किस तरह ये दुनिया खत्म होगी, ये दुनिया किस तरह खत्म होगी. तो यहां पे कुछ लोग कहते हैं कि या तो दुनिया फायर यानी इंसान की जो एक्सेसिव डिजायर्स हैं, जो ख्वाहिशात हैं, उसकी वजह से खत्म होंगी, या कोई कहता है आयस इंसान के अंदर जो नफरत है एक दूसरे के लिए उसके वजह से ये दुनिया खत्म हो जाएगी. ठीक, तो यहां पर एक डिस्कशन है. तो चलिए पोएम को हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं. ठीक, कहता है सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस. ये कहता है कि कुछ लोग कहते हैं सम से, कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया खत्म हो जाएगी किसकी वजह से, आग की वजह से. आग यानी इंसान की ख्वाहिशात, इंसान की चाहतों की वजह से, यानी इंसान इतना चीजों को पाने की उसके अंदर इतनी ज्यादा चाहत होगी कि वो कभी खत्म नहीं होगी और धीरे 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 इंसान को बिल्कुल अंदर ही अंदर से खोखला कर देगा, बर्बाद कर देगा और तबाह कर देगा.
ठीक, और कहता है सम से इन आईज, और कुछ कहते हैं कि मतलब दुनिया खत्म होगी नफरत की वजह से, यानी दुनिया में इतनी ज्यादा नफरत पैदा हो जाएगी, इतनी ज्यादा नफरत बढ़ जाएगी कि ये दुनिया को पूरी तरह बर्बाद व तबाह कर देगी। ठीक, फिर कहता है फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। ये कहता है कि, और यहां पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट खुद कह रहा है, अगर मैं अपने बारे में बात करूं और जो मैंने अपने ख्वाहिशात के बारे में जाना है, यानी मेरे अंदर जो ख्वाहिशात है, मेरे अंदर जो डिजायर्स हैं, मेरे अंदर जो चाहते हैं, अगर मैं उनकी वजह से, अगर मैं उनकी हिसाब से बात करूं, उनके बारे में सोचकर बात करूं, तो यकीन मान लो, यकीन मान लो कि ये दुनिया खत्म हो जाएगी। किसकी वजह से? डिजायर्स की वजह से, चाहत की वजह से। और मैं उन लोगों के साथ हूं जो लोग ये कहते हैं कि हाँ भाई, दुनिया किसकी वजह से खत्म होगी? डिजायर्स, फायर की वजह से, आग की वजह से। किस आग की वजह से? चाहत की आग की वजह से। ठीक, फिर कहता है बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हीट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। लेकिन अगर इस दुनिया को दूसरी बार खत्म होना हो, पहली बार अगर खत्म होगा तो किसकी वजह से? अपनी ख्वाहिशात की वजह से। दुनिया को दूसरी बार भी अगर खत्म होना हो, दूसरी बार खत्म होना हो, तो वो किसकी वजह से खत्म होगा? नफरत की वजह से, यानी आइस की वजह से। दुनिया में जो इतनी नफरत है कि आई नो, मुझे पता है, मैं जानता हूं, दुनिया में बहुत ज्यादा नफरत है, बहुत ज्यादा नफरत है, और उसी नफरत की वजह से ये दुनिया क्या हो जाएगी? बर्बाद हो जाएगी। ये दुनिया क्या हो जाएगी? तबाह हो जाएगी। ये नफरत इतनी ज्यादा है, सफाइस, सफिशेंट, बहुत ज्यादा, काफी है। ठीक, बहुत ज्यादा है और बहुत काफी है। किस लिए? इस दुनिया को तबाह व बर्बाद करने के लिए। ठीक, तो यहां पे पूरे पोएम का कहने का मतलब है, इस 9 लाइन में ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहता है, ये कहता है कि दुनिया में दो चीजें हैं जो दुनिया को पूरी तरह बर्बाद कर सकती हैं। एक है चाहत, डिजायर्स, इंसान की ख्वाहिशात, और एक है नफरत। अगर ये चाहतें, जो ख्वाहिशात हैं हमारी, हद से ज्यादा हो गई, तो वो भी कहीं ना कहीं हम इंसानों को बर्बाद करके छोड़ेंगे, और अगर नफरत कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हो गई, तो वो भी हमें क्या कर देगी? बर्बाद करके छोड़ेगी। अगर हमारे अंदर जो ख्वाहिश है, अगर हम उस ख्वाहिश को कंट्रोल में न रखें, तो वो भी हमें बर्बाद कर सकती है। उसी तरह अगर हमारे अंदर जो नफरत है, अगर हम उस नफरत को पालते रहें, उस नफरत को हम अपने दिल में रख कर रहें, इसी तरह मतलब नफरत करते रहें, तो हम आखिर में अपने आप को ही बर्बाद करेंगे। ठीक, ये चीज। तो कहने का मतलब सिंपली इतना है कि दुनिया चाहे आप अगर अपने ख्वाहिशों को कंट्रोल ना करें, या अगर आप बहुत ज्यादा नफरत भी करें, तो इन दोनों वजह से ही बर्बाद हो सकती है। तो दुनिया को बचाने का तरीका क्या है? प्यार, अमन, शांति। ठीक है, प्यार से हमें दुनिया पे क्या करना है? जिंदगी गुजारनी है, एक दूसरे से मोहब्बत करनी है, ताकि किसी और किसी के बीच में क्या हो? नफरत ना हो, और आराम से जिंदगी गुजर जाए। और अपने ख्वाहिशात पे कंट्रोल रखना है। ठीक, अपनी ख्वाहिशात को अपने ऊपर हावी होने नहीं देना है। ठीक, तो ये चीज है। ठीक, तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। तो अगला जो हमारा वीडियो होगा, उसमें हम आपको इसी पोएम में जो आपके पोएटिक डिवाइसेस हैं, ठीक है, राइम स्कीम जो है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। और अगर इस पोएम में अगर आपको कुछ समझ ना आया हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दें। थैंक यू।